In this video, I am explaining NCERT solution class 8th maths chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.2. Question number 9th. The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे जो उन्होंने दिया जो दिया है क्या हमें दिया है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट एजेस पूछा है तो लेट द प्रेजेंट एज यहीं से देखेंगे प्रेजेंट एज तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी एक्स 5x ईयर यहाँ पे 5 है तो 5x हो जाएगा. ये हो जाएगा. अब यहाँ पर हारून है तो हारून की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज इक्वल टू 7x. ये हो गई. अब हमें क्या दिया है कि आफ्टर 4 ईयर तो क्या आएगा फ्रॉम 4 ईयर्स लेटर तो यहाँ लिख देते हैं तो फोर ईयर्स लेटर लेटर मीन्स आगे बाद में तो क्या कर देंगे एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी 5x+4 फोर ईयर है तो +4 कर दिया. फिर क्या हो जाएगी एज ऑफ हारून 7x+4. अब क्या दिया उसमें कि द एज ऑफ राहुल एंड हारून इन द रेशो 5:7 तो हमने मान ली 5x और 7x 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स तो सम कर दीजिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को सम कर लीजिए तो दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x+4+7x+4 = 56. ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इम्प्लाइज जेड यहाँ पे हो जाएगा 5+7 कितना होता है 12 ये हो गया अपना 12x और 4+4 = 56. अब यहाँ पर x को उधर RHS में दे देते हैं तो ये हो जाएगा 12x = 56 - 8 इम्प्लाइज जेड तो 12x = 56 में से गए थे 48 हो जाएगा ये हो गया 48 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 48/12 ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 12 × 12 = 48 x = 4. अब हमने एक्स की वैल्यू जो आ गई है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट एज कितनी राहुल की हमने मानी 5x मानी थी ये 5x मानी थी तो प्रेजेंट एज अब राहुल कितनी आ गई 5x है तो x का यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है इस x की वैल्यू को हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5 और ये x था यहाँ पर ये तो कितना हो जाएगा 5 × x की वैल्यू कितनी 4 आ गई तो 5 × 4 का कितना हो जाएगा 20. अब लास्ट में क्या लिख देंगे ईयर्स. अब किसकी प्रेजेंट एज बतानी है हमें हारून की तो हारून की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7x थी एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज इक्वल टू 7x. अब हमारे पास में 7x की वैल्यू कितनी आ गई 4 तो 7 × 4 = 28 ईयर्स.